एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स सर्कल्स विद द करेक्ट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो ब्लैंक सर्कल्स दिए हुए हैं इनमें ये साइन पुट करने हैं जो सही है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये जो माउथ है इसका मुँह खुला रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, और ये सिर्फ डिजिट देखकर पता नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके लिए एक मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। मेथड वैसे एक से ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए। आपको करना क्या है, पहले आपने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद ये दोनों फ्रैक्शंस आपने लिखे, क्रॉस का साइन लगाया, इसका मतलब है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। बस इतना इस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई आप यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ लिखी तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इतना ध्यान रखना है कि यहीं से स्टार्ट करके यहाँ लिखें और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखें। तो पहले हम 12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 15 और फिर 35 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर इनके नीचे, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ लिखा, 35 और 10 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। अब देखिए 180 और 350 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो लेस देन का साइन, या फिर इतना ध्यान रखिए कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ माउथ ओपन रहता है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन, यही वाला फ्रैक्शन आप उतारिए, ये आपको इधर वाला साइन मिला है, तो आंसर में भी आप यही साइन पुट करेंगे। अगर साइन होता ग्रेटर देन तो आंसर में भी यही आता, इक्वल टू होता तो इक्वल का साइन आता। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ। पहले दोनों फ्रैक्शन को उतारेंगे, ये हमने दोनों फ्रैक्शन उतार लिए। अब क्या करना था, क्रॉस का साइन लगाना था। अब मैंने क्या बताया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखनी है, तो 45 और 16 की मल्टीप्लाई होगी, 48 और 15 की मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों का आंसर यहाँ पर लिखना है और इन दोनों का आंसर यहाँ पर लिखना है। 45 और 16 की मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 720, 48 और 15 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा 720। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन लगाइए, ठीक है। हमें आंसर अब पता चल चुका है, बस हमें ये फ्रैक्शन उतारना है, 16/48, 15/45, और अब सर्कल में क्या आएगा, इक्वल टू का साइन, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट पार्ट में GHI ये क्वेश्चंस रिमूव कर देने हैं, सिर्फ F तक करना है, और सेकंड और थर्ड में सिर्फ 5-5 क्वेश्चन करने हैं, एक पार्ट कट कर दीजिए, F और F। तो सेकंड क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और थर्ड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, बस असेंडिंग में आपको पता है कि छोटे से स्टार्टिंग करते हैं और डिसेंडिंग में बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें करना क्या है, पहले इन तीनों ही फ्रैक्शन को लिख लीजिए अलग अलग। 7/8 लिखा, उसके बाद 1/6 लिखा, उसके बाद 3/4 लिखा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को कहते हैं, ये इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल होंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सिर्फ डिजिट देखकर हम ये नहीं बता सकते। आपको लग रहा होगा कि इसमें छोटी डिजिट दिख रही है तो ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत हैं। पहले हमें डिनोमिनेटर ही इक्वल करने हैं। अब लगाइए यहाँ एक मल्टीप्लाई का साइन। जैसा मैंने बताया कि डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो एक ऐसा नंबर सोचिए जो 8, 6 और 4 इन तीनों के ही टेबल में आता हो। बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे जो तीनों के टेबल में आते हैं, तो उन बहुत सारों में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, या फिर अगर आपके माइंड में कोई नंबर नहीं आ रहा है तो 8, 6 और 4 का एलसीएम लेना है, जैसे आप पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। एलसीएम आप लोगे 8, 6 और 4 का तो आपको आंसर मिलेगा 24।
तो 24 ऐसा नंबर है जो इन तीनों का डिनोमिनेटर होना चाहिए। इक्वल का साइन लगाया थोड़ा स्पेस छोड़कर, मैंने बताया 24 हमें चाहिए, हमें डिनोमिनेटर को 24 बनाना है क्योंकि 24 4 6 और 8 तीनों की टेबल में आता है। अब देखिए 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 24 हो जाए, या 8 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 मिले, 3 से, 8 3 जा 24 होता है। इसी तरह 6 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिले, 4 से, 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 मिले, 4 6 जा 24, ठीक है। अब जो नंबर नीचे लिखा होता है वही ऊपर लिखते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है यहाँ पर भी 4, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6। बस अब ऊपर की भी मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 1 4 जा 4, 3 6 जा 18। अब जो हमें तीन फ्रैक्शन मिले उनमें देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको कहा था कि कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जो कि तीनों की टेबल में आता हो, तो आप एलसीएम के मेथड से करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड और लगाएं तो हमें सिर्फ मल्टीपल चाहिए होते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आ सकता है, 72 है, 72 8 के टेबल में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। और अगर इतना ज़्यादा नहीं सोचना आपको तो सीधा एलसीएम निकाल दीजिए, आप एलसीएम सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जो हमें ये आंसर मिला हुआ है इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिनोमिनेटर तो इक्वल है, न्यूमरेटर देखिए सबसे छोटा 4 है तो 4 अपॉन 24 लिखा, उससे बड़ा है 18, इससे बड़ा 18 और सबसे बड़ा 21। ये तो वो फ्रैक्शंस हैं जो हमें मल्टीप्लाई करके मिले, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन के बारे में हमें बताना है। तो अब देखिए 4 अपॉन 24 क्या था, पहले 1 अपॉन 6 था तो इसके नीचे हमने 1 अपॉन 6 लिखा। उसके बाद है 18 अपॉन 24, 18 अपॉन 24 पहले क्या था, 3 अपॉन 4 था, और 21 अपॉन 24 पहले क्या था, 7 अपॉन 8 था, तो हमने यहाँ 7 अपॉन 8 लिखा और यही है हमारा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, पहले हमने इन तीनों ही फ्रैक्शंस को यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब ये सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5, 3 और 2 तीनों के ही टेबल में आ जाए, 30, 5, 6 जा 30, 3, 10 जा 30, 2, 15 जा या 15, 2 जा 30। और जो नंबर हमने नीचे लिखा है वही हमें ऊपर लाना है, 6 अपॉन 6, 10 अपॉन 10, 15 अपॉन 15। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो अब फ्रैक्शंस हमें मिले हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं तो अब देखिए कि ये पहले क्या था, 15 अपॉन 30 1 अपॉन 2 था, 20 अपॉन 30 2 अपॉन 3 था, और 24 अपॉन 30 पहले 4 अपॉन 5 था, ये मिल गया आंसर। अब एक बार इसका ई पार्ट देखिए, ई पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे आपको ए बी पार्ट बताएं, सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो आप इजीली बता सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो नंबर छोटा दिख रहा है वो छोटा ही होगा, जैसे ये तीनों नंबर तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे, ठीक है, तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर क्या हो, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जो हमें बड़ा दिख रहा है वो नंबर छोटा है और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। तो ये है सबसे छोटा, इससे बड़ा है 1/4, और सबसे बड़ा है वो नंबर जो सबसे छोटा दिख रहा है। तो ये फ्रैक्शंस हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, आप इसे इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे असेंडिंग ऑर्डर किया है, बस जब आपको फ्रैक्शंस मिल जाएं, जब भी फ्रैक्शंस मिल जाएं तो उन्हें असेंडिंग की बजाय, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में असेंडिंग में लगाया था, बस आपको डिसेंडिंग में लगाना है, बस इतना ही फ़र्क है, वरना मेथड बिल्कुल सेम है।